गेम है। अगर वीडियो आगे देखना है तो कान में हेडफोन घुसा लो, क्योंकि रमन रोस्ट नहीं करता, रमन चोटता है। सो हे गाइस, व्हाट इज अप? रुको रुको, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के डिसलाइक करने वाले हो तो थोड़ा रुक जाओ यार, इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि जरूरी नहीं जैसा थंबनेल और टाइटल हो वैसा ही वीडियो भी हो। तो थोड़ा रुको, वीडियो देखो, फिर लाइक करना डिसलाइक करना तुम्हारे ऊपर है। और हाँ, अगर आप BTS के फैन हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और अगर आप BTS को नहीं जानते हो या फिर आप उससे नफरत करते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं ये वीडियो K-pop के बारे में बनाने वाला था, पर मुझे फिर लगा कि K-pop को शायद ही लोग ना जानते हो, कुछ लोग शायद ना जानते हो, तो मैंने BTS के बारे में बना दिया, क्योंकि BTS को अभी पूरा दुनिया जानता है। आप चाहे उसे प्यार करो या आप चाहे उसे नफरत करो, पर जानते तो आप हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने BTS के बारे में वीडियो बनाया। तो ज्यादा लेट ना करते हुए अपना दिल किडनी और लंग्स थामो और मेरे वीडियो का बुरा मत मानो। मैं पहले K-pop के बारे में बोलना चाह रहा था, पर मुझे K-pop के बारे में उतना अच्छा से नहीं पता, मुझे म्यूजिक के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता, मुझे म्यूजिक में कुछ इंटरेस्ट है भी नहीं। तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। K-pop का मुझे कुछ लोगों का ही नाम याद है, जैसे कि EXO हो गया, PSY हो गया, PSY तो आप सबको पता ही होगा, ओ ओ ओ ओ ऊपर गैंगनम स्टाइल, ओ सेक्सी लेडी, हम लोग बहुत नाचे हैं, आपको पता होगा गैंगनम स्टाइल, ओपन गैंगनम स्टाइल। और बहुत ज्यादा पॉपुलर है कोरिया पे, जैसे कि ये ब्लैकपिंक हो गया और BTS हो गया। और मैंने BTS के बारे में इसलिए बोला क्योंकि BTS पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये सच है, लोग माने ना माने पर ये सच है, ठीक है। इसलिए मैंने BTS को चुना। तो दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं फैन, दूसरा होता है हेटर्स, और तीसरे होते हैं भोसड़ी वाले। जो फैन होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनका स्ट्रगल से लेके उनका जितना भी कुछ भी होता है सब कुछ जानते हैं। तो वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनका काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उनको इतना ज्यादा पता होता है कि गूगल भी खुद उनसे पूछता है कि भाई बता दे इनके बारे में कुछ। और जो हेटर्स होते हैं उनका भी मुझे समझ आता है, मतलब किसी को उनका काम नहीं पसंद होता है तो किसी का उनका सूरत नहीं पसंद होता है, और किसी को ये पसंद नहीं होता है कि ये लोग उनके फेवरेट सेलिब्रिटी से बेहतर कैसे है, तो हेटर्स का भी मुझे समझ आता है। अब आता है तीसरा, बहुत सही बात है। अब ये भोसड़ी वाले वो लोग होते हैं जिनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, मतलब इतना सा भी नहीं पता होता है, फिर भी ये लोग करते क्या है, नफरत। अब इस नफरत के पीछे तीन रीजन हो सकता है, पहला रीजन कि वो लोग बहुत टैलेंटेड है, दूसरा रीजन कि वो लोग बहुत अच्छा दिखते हैं, तीसरा रीजन इनकी जो बंदी होती है ना वो उन पे मन मिलती है। तो हाँ, ये तीन रीजन हो सकता है इसके पीछे। और हाँ, अगर इनके सामने अगर वो लोग सबसे अच्छा काम कर ले, मतलब दुनिया को बचा भी लेना, फिर भी ये लोग करेंगे नफरत। नफरत क्यों? क्योंकि इनके घर में होती है खुजली जो मिटाई नहीं मिटती। ये जो भोसड़ी वाले लोग हैं, इनका ये कहना है कि यार ये तो लड़के है ना, इनका दाढ़ी क्यों नहीं है, यार ये सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, इनका तो दाढ़ी ही नहीं है। तो मतलब इनके लिए जो लड़का हो या जो सक्सेसफुल हो, उन सबका दाढ़ी होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो अपने माँ बाप के पैसे में पलते हैं, जो सुबह उठते ही गाली खाते हैं, रात जूता खाते हैं, फिर रात को खाना खा के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के फिर कहते हैं कि यार इनके पास तो दाढ़ी नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। ये वही लोग हैं जो कहते हैं ये लोग सक्सेसफुल कैसे हो गया, ये लोग तो लिपचिंग करता है, जैसे मानो इनके जो बाप दादा थे ना वो पैदा होने के संग संग नाचना और गाना एक साथ कर लेते थे, दोनों चीज एक साथ कर लेते थे। अगर कोई लोग भी रियलिटी शो देखते हैं, डांस रियलिटी शो, तो उनको ये दिखता होगा जो लोग नाचते हैं उनका सांस पूरा फूल जाता है। पर इनको क्या चाहिए होता है, इनको ये चाहिए होता है कि BTS से कोई भी पॉप सिंगर जो है वो नाचे भी एक साथ, गाए भी एक साथ। और BTS ने तो ये भी साबित किया है कि वो लोग लिपसिंग नहीं करता है। जिनको
अगर आप कह दो ना कि बेटा जा घर के पास वाले दुकान से कुछ सामान लेके आ, तो जाने में और आने में इनकी पूरा गांड फट जाती है। पर नहीं, फिर भी ये लोग क्या कहेंगे कि ये लोग तो लिपसिंग करता है। इनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों को कोरियन लैंग्वेज नहीं आता है, तो हम लोग इस वीडियो करेंगे डिसलाइक। क्यों डिसलाइक करेंगे? क्योंकि हमें कोरियन नहीं आता, तो पक्का ये लोग बेकार लिरिक्स लिखते होंगे, मतलब महा बेकार लिरिक्स लिखते होंगे जिसमें कोई भी मतलब नहीं होगा, तो इसलिए हम करेंगे डिसलाइक। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। फिर यही वो लोग है, यही है वो लोग जो डेस्पेसितो आने के बाद ऐसे गान मटका मटका के नाचते थे, ऐसे नाचते थे जैसे पैदा होने के बाद इन्हें उनका माँ का दूध नहीं स्पेनिश पिलाया गया था। कुछ भी। और स्पेनिश तो छोड़ो, इनको इंग्लिश गाना तक नहीं आता, फिर भी ये लोग कहते कि जस्टिन बीरबल इज माई फेवरेट। क्या बोला तूने? जस्टिन बीरबल इज माई फेवरेट। हाँ, पता है भूसरे वालों मुझे कि जस्टिन बीबर जस्टिन बीरबल ही, तुम लोग ज्यादा गान मत बोलो। ये वही दोगे लोग जिन्होंने कहा था कि हमें कोरियन नहीं आता है, पर वर्षों पहले जब PSY का गंगनम स्टाइल आया था, ये लोग इतना नाचे थे जैसे कि मानो PSY इनकी फूफी का पति हो, और अगर ये लोग ना नाचे तो इन्हें 3 गुना ज्यादा लगान देना होगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो इसे यहीं खत्म करते हैं। मुझे और भी बहुत कुछ बोलना था, तो वो मैं पार्ट 2 में बोल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक हम रखते हैं 500 लाइक का। अगर 500 लाइक हो जाता है तो मैं पार्ट 2 भी निकाल दूंगा। स्क्रिप्ट रेडी है, मुझे बस रिकॉर्ड करना है और एडिट करना है और आपको दे देना है, तो 500 लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करना यार, प्लीज कमेंट करना, बहुत जरूरत है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो लोग BTS आर्मी है, जो लोग हेटर है, सबको भेजो ये वीडियो, ताकि उनको पता चले कि हेटर क्यों हेट करते हैं BTS को, मतलब बेफालतू में करते हैं, सबको पता है, तो भी भेज देना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, करो, मैं ऐसे ही सेक्सी वीडियो बनाते रहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और आप मेरे साथ नहीं हो, तो आओ यार मुझे फॉलो करो वहां पर @ रमन छेत्री पे। चलो बाय।